श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। माँ पीताम्बरा साधना, बगलामुखी साधना। बगलामुखी का नाम लेते ही लोगों को मिर्च का हवन, बाएं हाथ से हवन, मारिया मारिया, काटिया काटिया, पूछ पूछ, दह दह, पचा पचा, ऐसे शब्दों का याद आता है। तो मैंने पहले वीडियो भी जो बनाया था उसमें आप लोगों को बताया था कि ऐसे मंत्र गृहस्थों को प्रयोग नहीं करने चाहिए घर में, इसलिए मैंने आप लोगों को एक मंत्र दिया था। आज मैं आपको बगलामुखी माता का दूसरा मंत्र दूंगा। ये किसी भी कार्य को करने जाने से पहले इसका जाप कर लेने मात्र से कार्य सिद्ध हो जाता है, इसकी कोई साधना विधि नहीं है। इससे एक प्रकार का इमीडिएट सम्मोहन आपको प्राप्त होता है इस मंत्र को करने से, और आपके चेहरे पे एक भाव आता है, एक अट्रैक्शन आता है अगर आप इस मंत्र को करेंगे। इसके अलावा अगर किसी का वशीकरण करना हो, किसी दो व्यक्ति का, उसमें भी ये जो मंत्र है इसका प्रयोग होता है। बगलामुखी माता पे बहुत सारी भ्रांतियां हैं। देखो, पहले ये समझो, 10 महाविद्या सिर्फ 10 नहीं है, हर महाविद्या का और रूप भी है। बगलामुखी शत्रु मर्दन, शत्रु हानि, ठीक है, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, यश कीर्ति वैभव की बढ़ोतरी के लिए, हर तरीके का प्रयोग में बगलामुखी माता की साधना आती है। लेकिन आज कल मैं देखता हूँ कि हर जगह बगलामुखी का हवन होता है। आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपके घर वालों ने काला जादू कर दिया है तो बगलामुखी हवन हो रहा है। किसी स्मशान में जाइए, मिर्च लेके बैठे हैं, बगलामुखी हवन हो रहा है। आपको शत्रु परेशान कर रहा है, आप पे काला जादू हुआ है, बगलामुखी हवन हो रहा है। बगलामुखी हवन हो गया, फायदा नहीं हो रहा है। तो बड़ा विचारणीय विषय था कि बगलामुखी माता के हवन के बाद आपके समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, क्यों नहीं होता है। तो दो बड़े प्रैक्टिकल बातें हैं जिस पे आप लोग सोचते नहीं। देखो, हर इंसान जो धोती पहने, जो तिलक लगाए, वो ज्ञानी हो सकता है, वो ब्राह्मण हो सकता है, वो पंडित हो सकता है, लेकिन हर मंत्र में मास्टरी हो ऐसा नहीं होता। सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं है कि कोई भी वाच के निकल जाएगा। बगलामुखी साधना की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अभी क्या है कि ये तो प्रैक्टिस है ना, आपको काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष का हवन कराना, हाँ कराते हैं। काल सर्प दोष क्या होता है पूछ दो, बता नहीं पाएंगे। मैंने पहले भी बताया था, बहुत लोग आप में से काल सर्प दोष और पितृ दोष से तो मतलब ऐसे आप लोग परेशान रहते हैं जैसे कुछ। काल सर्प दोष जमीन पर लगता था, जो जमीन बंजर होती है उस पे माना जाता है काल सर्प दोष होता है। इंसान पे किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि काल्पसर्प दोष होता है। 1972 के आसपास पहली किताब आई थी, एक महिला ने लिखी थी, पुणे की महिला है, नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने काफ़ी ऐसे मतलब एकदम तुकबंदी वाली चीज़ें लिखी, उसमें एक चीज़ उन्होंने लिख दी कि इंसान पर भी काल्पसर्प दोष लगता है। और फिर उसका एक बाजार चालू हुआ, और आपके बारे में एस्ट्रोलॉजर को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वो बोल देगा आप पे काल सर्प दोष है, इसकी आप पूजा करा लो, ठीक है। वैसे ही पितृदोष है, पितृदोष पे मैंने एक वीडियो बनाया था, बताया था कितना आसान है इसको करवाना। अच्छा, इतना जो मैं भूमिका बांध रहा हूँ, मैं अभी विषय पे आता हूँ। तो काल सर्प दोष करा देते हैं कोई भी पूजा, मतलब काल सर्प दोष का रेंज है, जैसे गया में श्राद्ध का रेंज है, आपकी औकात के अनुसार वो वहाँ पे आपके पितरों का श्राद्ध करवाते हैं। आपकी औकात 1000 रुपये, 5000 रुपये, 50000 रुपये या 5 लाख रुपए है, मतलब कोई नियम नहीं है। जितना पैसा दोगे उतने नए नियम आते हैं,
तो कल्प सर्दोष में क्या है कि ऐसा कोई कुछ होता ही नहीं है, तो नहीं होता है तो कुछ भी पूजा करा दो। लोगों के बिलीफ सिस्टम में बैठ गया कि हाँ कल्प सर्दोष का पूजा हो गया, पितृ दोष का पूजा हो गया, आपके पितृ कोई और क्या उनका दोष निवारण करेगा, लेकिन आप लोग जाते हो। तो अभी मैं उज्जैन गया था, तो आप लोगों ने लाइव में हमारे गुरु भाई अचलनाथ जी से आप लोग मिल चुके हैं, अचलनाथ जी बगलामुखी साधक हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये अभी जो बगलामुखी हवन चल रहा है, लगभग क्या खर्च आता है अपने बगलामुखी हवन में? तो उन्होंने बोला बगलामुखी हवन करने में, मेरा अपना भी अनुभव है कि बगलामुखी हवन जिस दिन मैं करता हूँ तो 30 से 35 40 हज़ार रुपये मुझे अपने जेब से लगते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो बगलामुखी हवन अगर सही सही करे ना तो करीब करीब 80 हज़ार का खर्चा होता है। लेकिन क्या है कि अभी ये मार्केट हो गया है तो लोग इस पे ध्यान नहीं देते कि किस चीज़ का हवन हो रहा है, कैसे हवन हो रहा है। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया छर्रे, मतलब जो ये धोती कुर्ता पहन के हाँ काल सर्दोष का हवन हो जाएगा, हाँ पितृदोष का हवन हो जाएगा, अब बगलामुखी का हवन हो जाएगा, काली का हवन हो जाएगा, अब नाम बोलो बस हवन हो जाएगा। तो बोलो उन्होंने 5 हज़ार में भी वो बगलामुखी का हवन करा देते। देखो 5 हज़ार में बगलामुखी का हवन करवा रहे हो आप, 11 हज़ार में बगलामुखी का हवन करवा रहे हो, उससे अच्छा उस नोट को ले जा करके आग में सीधे जला दो। मैंने पहले भी आपको बताया है, फिर बताता हूँ और बार बार बताता रहूँगा कि 5 7 10 हज़ार में तंत्र नहीं टोटका होता है, ठीक है। बगलामुखी माता के हवन में 25 की संख्या में चीज चढ़ती है, जिसमें एक ऐसा पदार्थ है जो 5 हज़ार रुपये किलो आता है, ठीक है। और वो जब 25 चढ़ता है तो आप समझ लो कि कितना उसी का प्राइस हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भेड़ की चाल में मत चलो, मारिया मारिया काटिया काटिया पुच्चे पुच्चे दह दह कटा कटा फटा फटा, क्या है, माँ बगलामुखी है, इनसे कई और कार्य निकलते हैं। तो जो आज मंत्र बताऊंगा तो आप लोग मतलब हमेशा बगलामुखी का प्रत्यंगारा रूप में पूजा करने की जरूरत नहीं होती है, माँ का एक सौम्य रूप भी है, उस रूप में मतलब जहां पर आप पुत्र होते हैं और वो माँ होती है, तो उसकी साधना करें। आइंदा जब हवन कराएं तो श्योर हो जाए कि आप सही बगलामुखी का हवन करा रहे हैं। क्यों? बगलामुखी उग्र देवी हैं, आप जो सो अगर हवन करा लीजिएगा, आपके नाम पे संकल्प हुआ है, जिससे आप करा रहे हो उसका कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो अब मंत्र सुनो, थोड़ा सा मैं आज भाव में बह गया क्योंकि बहुत ही उग्र चीजों को बहुत नॉर्मली लेने की आदत हो गई है हम लोगों को। इतना टीवी पर देख लिया कि अब लगता है कि हाँ बगलामुखी तो घर के हैं, शनिदेव तो घर के हैं। चलो मंत्र पे आते हैं, मंत्र ध्यान से सुनना, कोई नहीं बोलेगा कि मुझे मंत्र चाहिए लिख के। ओम ह्लीं बगलामुखी जगत वंश करी माँ बगले पीताम्बरे प्रसीद प्रसीद मम सर्व मनोरथान पूर्य पूर्य ह्रीं ओम। ओम ह्लीं बगलामुखी जगत वंश करी माँ बगले पीताम्बरे प्रसीद प्रसीद मम सर्व मनोरथान पूर्य पूर्य ह्लीं ओम। दोनों बार बीज ह्लीं है। ओम ह्लीं बगलामुखी जगत वंश करी माँ बगले पीताम्बरे प्रसीद प्रसीद मम सर्व मनोरथान पूर्य पूर्य ह्लीं ओम। अब फिर आप लोग बोलेंगे कि ह्लीं जो है वो तो कीलित है, तो उसका वही उपाय है जाप करके माँ भगवती की तस्वीर के सामने जाप रख देना कि माँ गुह्या गुह्या गोपत्रितम गृहणम स्म कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादे महेश्वरी सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादे महेश्वरी सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादे महेश्वरी, ऐसा बोल के माँ के सामने रख देना, उसके बाद फिर वापस ले लेना। कीलन को हटाने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि भगवती को दो फिर भगवती से ले लो, तो कील जो है वो मिट जाता है, ठीक है। तो लिम ही बीज यूज करना,
उग्र बीज में जाने की जरूरत नहीं है। तो इस मंत्र का प्रयोग क्या है, जब भी कोई बहुत महत्वपूर्ण काम करने को जा रहे हो, जहां पर लगे कि ये काम होना अति आवश्यक है मेरे लिए, उस जगह जाने से पहले इस मंत्र का ज्यादा नहीं 3 माला आप जाप करोगे। 3 माला जैसे ही आप जाप कर लोगे, जो नहीं भी होने वाला काम है उसकी प्रबलता बढ़ जाएगी कि वो काम अब हो जाएगा। इसके अलावा जब 3 मंत्र आप जाप कर लेते हो ना, तो इस मंत्र को 51 बार पढ़िएगा, पढ़ के मन में पढ़िएगा और हथेली सामने रखिएगा, दोनों हथेली को जोड़ के उस पर 3 बार फूंक मारिएगा, ठीक है। फूंक मार के हथेली को अपने मुख पर रगड़ लीजिएगा तो एक आकर्षण आता है, तो जो लोग आपको देख के नेगेटिव हो जाते हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी पे वशीकरण का प्रयोग करना है, दो जोड़ियों को मिलाना है, दो युगल जोड़ियों को मिलाना है, तो इस मंत्र के अंत में उन जो युगल जोड़ी है उनका आप नाम ले लेंगे तो उन दोनों का वशीकरण हो जाएगा, ठीक है। माँ भगवती देवी बगलामुखी, मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, जैसे बगलामुखी, अभी हमारे यहाँ बगलामुखी की मूर्ति बैठ रही है, बहुत 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 सुंदर मूर्ति है, तो आप लोग आइए कभी देखने। तो बगलामुखी का जो नाम है वो बगलामुखी है, ना कि बगलामुखी है, ये आप लोगों को बताया था, बगला से वो बगला हो गया, तो कहीं भी इसका ये मतलब नहीं है कि ये बगुला की तरह देखने वाली है। बगलामुखी मतलब जो तंत्रों का काट करती है, अगर किसी पे तंत्र का प्रभाव हो तो काट करती है। तो मैंने अभी आपको पिछले 2 सप्ताह में ये मैंने आपको दूसरा सौम्य मंत्र दिया माँ बगलामुखी का। बगलामुखी की आप साधना करें सभी, आप लोगों को बहुत लाभ होगा। उग्र मंत्र का जाप करेंगे तो हानि होता है, उग्र हो जाएंगी तो किसी ना किसी का बलि ले लेंगी, आप लोग बलि रखते नहीं, इसलिए पूजा में बलि बहुत बार अनिवार्य लिए, बलि रखो तो जाएगी जाएगी नहीं। आज की आज नहीं नहीं माँ बगला मुखी आप लोग यहाँ पर कृपा बरसा है। साथ में एक अंतिम विषय ये बोलूँगा, बगलामुखी करने से पहले अगर आप लोगों ने भैरव जी की साधना नहीं कर रखी है तो भैरव जी की साधना अत्यंत अत्यंत और अत्यंत अनिवार्य है, बगलामुखी माता जैसे उग्र 10 महाविद्या की साधना करने के लिए, ठीक है। इस बात को आप लोग गाढ़ बांध कर रख लीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को साधना का बेसिक रूल समझना है, आसन बंधन और ये सब, तो आप मेरे व्हाट्सएप के पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको भूत प्रेत में इंटरेस्ट है तो मेरा एक किताब है, हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, वो खरीद के आप पढ़ सकते हैं। मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए मेरा वेबसाइट है www.aghortantrahasya.xyz, उस पर एक सेक्शन है अपॉइंटमेंट, उसमें जाके अपॉइंटमेंट सीख कर सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए, कॉलिंग बटन आएगा, आप कॉल करके डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।